जी हाँ, फिर से स्वागत है आपको आकाशी एकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी हूँ आपके साथ। जी हाँ, आज जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो बिंदु है दिगंत भाग टू पद्यांश प्रथम पाठ, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित। जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ना उनकी कुछ क्या ना अश्लीलता फोटो यानी चित्र दिखाई दे रहा है। ये है क्या ना मोहम्मद जायसी जी। ये कौन है? मोहम्मद जायसी, अर्थात इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इनके जीवन के बारे में हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी जानते हैं। आइए, इनके जीवन का परिचय क्या है, अर्थात यहाँ पर देख पा रहे हैं जन्म। तो जन्म कब हुआ था? यहाँ पर देख पा रहे हैं जन्म, तो जन्म कब हुआ था? 15वीं सती उत्तराद्र, अनुमानतः 1492 में। यानी अनुमान के आधार पर जो है ना इनका जन्म जो है 15वीं सती के उत्तराद्र, ठीक है ना, अनुमान के आधार पर बताई जा रहे हैं कि 1492 में हुआ था। ये बात यहाँ पर क्या है कि निधन, निधन मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु कब हुआ था? तब 1548 में, अनुमान तो कब बताई जा रही है? 1548 में। आइए बात करते हैं निवास स्थान। तो निवास स्थान कहाँ है इनका? जायस। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जायस क्या है ना, कब्र कमेटी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है कब्र कमेटी, वहाँ जायस स्थान है, वहीं पर जो है इनका निवास स्थान है। आइए बात करते हैं पिता, इनके पिता के नाम क्या थे, यानी इनके पिता के जो नाम जो है ना मलिक शेख जो है ना ममरेज, और वो क्या है ना मलिक राजे अशरफ, यानी उन्हीं का नाम जो है ना दो प्रकार से यहाँ पर उल्लेख है, मलिक शेख ममरेज और मलिक जो है ना राजे अशरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं गुरु। तो गुरु कौन है इनके? यानी गुरु सूफी संत शेख जो है ना मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके जो है गुरु थे। आइए बात करते हैं गुरु, जहाँ से इनको शिक्षा मिला हुआ है। वृत्ति, अब बात करते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है मानसिक कार्य। तो कौन सा काम किए, आइए बात करते हैं। आरंभ में, शुरुआती में ये जो है ना जायस में रहते हुए किसानी किए, खेतीबाड़ी के काम किए। बाद में जो है ना शेष जीवन ना फकीरों में, बचपन में ही अनाथ हो गए और साधुओं फकीरों के साथ जो है ना भटकते हुए, अनाथ होने के बाद में जो है ना साधुओं संतों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। इनका बचपना जो है ना अनाथ होने के बाद में साधु संतों फकीरों के साथ में रह करके बीते, मतलब कि कटने लगा। आइए बात करते हैं व्यक्तित्व, किस प्रकार के जो है ना ये थे। तो चेचक के कारण, यानी चेचक जो चेहरे पर या शरीर में छोटी छोटी जो है ना फुंसियाँ निकल जाती है, जिसको देहाती कहावत में लोग माई कहता है, यानी उसी चेचक के कारण जो है ना रूपहीन तथा क्या ना बाई आँख और कान से वंचित हो गए, अर्थात। और यहाँ एक भी बात देखने को मिल रहा है, मृदुभाषी और मनस्वी और क्या ना स्वभावतः संत, ये इस प्रकार के लोग थे, ठीक है। आइए बात करते हैं कृतियाँ। कृतियाँ इनके क्या है, इनके क्या है, यानी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, हाँ कहरानामा, यानी महरी बाई सी इसको कहते हैं, ठीक है ना, महरी बाई सी, इस प्रकार के जो है ना इनकी कृतियाँ है ना, मसला या क्या ना मसलनामा, खंडित प्रति, इस तरह के जो है ना बहुत सारा कृतियाँ है जो इनको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो इनके जीवन के बारे में हम लोग यहाँ तक देख पाए। आइए बात करते हैं जो है इनके जो है ना रचना, अर्थात जो है ना जो काव्य है, काव्य को जो है ना अर्थ को समझते हैं, पद लिखे हुए उस पद को जो है ना हम लोग समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पद के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, क्या कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। कहते हैं ये जो है ना मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक नेत्र, कहते हैं कि एक नेत्र का होते हुए भी, एक नेत्र का होते हुए भी मैं गुणवान हूँ, एक नेत्र का होते हुए भी क्या है मैं गुणवान हूँ, जो भी, कहते हैं कि जो भी इस जो है ना काव्य को सुनता है, ठीक है ना, वह मोहित हो जाता है, अर्थात जो है ना मोहम्मद जायसी के जो भी काव्य को सुनते हैं वह क्या हो जाते हैं, तो वह मोहित हो जाते हैं, अर्थात इनके काव्य से उस प्रकार की जो है ना भाव स्पष्ट होता है कि उस इनके तरफ लोग खींच जाते हैं। आइए क्या कहते हैं आगे, चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, अर्थात समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा शब्दार्थ को। यहाँ पर जो है ना जग, जग माने होता है संसार, विधि मतलब होता है विधाता अर्थात भगवान ईश्वर, अवतार मतलब होता है जन्म लेना यानी अवतार होना,
जैसे मतलब जैसे, ठीक है ना। कलंक माने होता है धाबा ना, कलंक मतलब क्या होता है, धाबा, दाग, ठीक है। उजियारा मतलब उजियारा, रोशनी, ठीक है। ये बात करते हैं, क्या कहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक दिन किन उजियारा। अर्थात कभी कहते हैं, कभी जो है ना मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि ईश्वर ने, क्या कहते हैं, विधि विधाता, यानी ईश्वर ने चांद जैसे, चांद जैसे मुझे अवतारा है, मुझे जन्म दिया है, किन कलंक है, क्योंकि क्योंकि उनमें भी दाग है, अर्थात किन में दाग है, अर्थात चांद में भी दाग है, और वे क्या करते हैं कि संसार को, जग को उजियारा रखते हैं। तब मैं एक नेत्र से होकर भी कुछ कर सकता हूँ। आइए बात करते हैं आगे, आगे क्या कहते हैं कि जग सूझा, जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख असे नखतन माहा। यहाँ कहने के मतलब क्या कहते हैं, ठीक है ना। सूझा मतलब कि सूझना, उपाय यानी यादाश्त, ठीक है ना। सुख, सुख मतलब यहाँ पे एक शुक्र तारा यानी शुक्र ग्रह की बात हो रही है, ठीक है ना। नखतन माहा मतलब होता है कि नहीं, ग्रहों के बीच, यहाँ पर क्या हो रहा है, नक्षत्र के बीच, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाए, नखतन महा मतलब होता है नक्षत्र के बीच। आइए बात करते हैं क्या कहते हैं, जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नखतन माहा। अर्थात कभी कहते हैं कि जब तक जो है ना, यहाँ पर क्या कभी कहते हैं, इस बात को समझेंगे कि मैं एक नयन से संसार को समझ गया, यानी कौन, जग सूझा एक ही नैनाहा, यानी जायसी जी जो है ना, एक नयन से ये संसार को समझ गए। और क्या कहते हैं, जैसे शुक्र, जैसे क्या है ना, शुक्र नामक तारा नक्षत्रों के बीच में उदित है, उज्ज्वलित है, उसी प्रकार मैं एक नयन से इस संसार के जो है ना समझ पाया। आइए, समझ में आ गया होगा आपको, मुझे विश्वास है। आइए आगे क्या कहना चाहते हैं, जौ लही, क्या कहते हैं कि जौ लही अम्बही डांब न होई, ठीक है ना, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात कभी कहते हैं अम्बही, थोड़ा सा शब्दार्थ देंगे, अम्बही मतलब होता है आम, डांब माने होता है मंजर, ठीक है ना, सुगंध मतलब सुगंध होता है। आइए बात करते हैं क्या कि जौ लही अम्बही डांब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक जो है ना, क्या कहते हैं कि जब तक आम में, कहाँ, जब तक आम में मंजरी नहीं होती, डांब अर्थात मंजरी नहीं होती, तब तक क्या है ना, सुगंध नहीं होती। जब तक हमको क्या नहीं होती जी, सुगंध नहीं होती है, अर्थात सुगंध नहीं आती। आगे क्या कभी कहना चाहते हैं, किन समुद्र पानी जो खारा, क्या कहते हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असुझ अपारा। यहाँ समझेंगे थोड़ा, क्या कहते हैं, अर्थात जैसे समुद्र का पानी खारा है, क्या कहते हैं कि जैसे जो है ना समुद्र का पानी खारा है, ठीक है ना, इसलिए इसलिए क्या कहते हैं, जैसे समुद्र का पानी खारा है, इसलिए वह असूझ और क्या है ना, अपार है, अर्थात बड़ा है, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वह क्या है, असूझ और अपार है, ज़्यादा है। आइए आगे क्या कहते हैं कभी, जो समीरु तिरसुल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। यहाँ थोड़े से थोड़ी सी बात को ध्यान देंगे, सुमेरु मतलब क्या होता है, पर्वत को, यहाँ पर बात हो रही है, कौन चीज़ का बात हो रही है, तो पर्वत की बात हो रही है। आइए बात करते हैं आगे क्या कहते हैं, पर्वत, तो यहाँ पर जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी जब जो है ना सुमेरु पर्वत को, जब कौन चीज़ को, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाशा गया, प्रहार किया गया, ठीक है ना, प्रहार किया गया, तब वह सोने का, कंचनगिरी मतलब होता है सोने का पर्वत,
तब वह सोने का पर्वत, ठीक है ना, होकर आकाश में बहने लगा। आकाश में बहा मतलब बहाना, ठीक है ना, आकाश में बहने लगा। आइए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्या कहते हैं, जो लही घरी कलंक ना पारा, ठीक है ना, कांच होई नहीं कंचन कारा। यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं कि जौ लही घरी कलंक ना पारा। यहाँ पर इस पंक्ति को देखिए जरा, अर्थात जब तक जो है ना, क्या कहते हैं, जब तक घरिया में, ठीक है ना, घरी मतलब होता है घरिया, अर्थात वैसे पात्र जहाँ पर सुनार भाई क्या करते हैं, आग को बनाते हैं सोने को तपाने के लिए, तो वहीं यहाँ पर बातचीत हो रही है कि जब तक जो है ना घरिया में, ठीक है ना, सोने को गलाया नहीं जाता, सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कांच कच्ची धातु सोना नहीं होता, कंचन नहीं होता, अर्थात सोना नहीं होता। अर्थात कोई भी जेवर बनाने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा। आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या होता है कि एक नयन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कहना चाहते हैं कवि, कि एक नयन जस दर्पण, बड़ी सुंदर बात कहे हैं कि एक नयन होकर भी ऐना की तरह निर्मल और स्वच्छ है, क्या है, निर्मल और स्वच्छ है, उसी गुण के जो है ना कारण, उसी गुण के कारण जो है ना रूपवान लोग क्या करते हैं, कुछ पाने की चाह से मेरे तरफ क्या करते हैं, देखते हैं। ये कौन कहते हैं, मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, ठीक है ना। ये नेत्र नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात मेरे जो है ना हृदय क्या है, स्वच्छ और पवित्र है, और मुझसे पाने के लिए लोग क्या करते हैं, मेरे तरफ क्या करते हैं, निरखते हैं, देखते हैं। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि है ना मोहम्मद जायसी जी का दूसिका पद यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद यदि कभी जोरी सुनावा, क्या कहते हैं कि मोहम्मद यदि, सॉरी यहाँ पर क्या कहते हैं, मोहम्मद यहीं कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पिर गा पावा। अर्थात कहते हैं मोहम्मद जायसी जी, क्या कहते हैं, इसको सुनेंगे आप लोग, कि मैं यह कविता जोरी मतलब जोड़ना, मैं यह कविता जोड़ कर सुनाया, जो भी सुना, कहते हैं कि जो भी सुना उसे प्रेम पीर के जो है ना, प्रेम पीर का अनुभव हुआ। इस जो है ना कविता को मैंने जोर कर सुनाया और जो भी सुना उनके अंदर प्रेम पीर के जो है ना अनुभव हुआ। आइए बात आगे क्या कहते हैं, जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। क्या कहते हैं कवि मोहम्मद जायसी जी, यानी जोरी लाई रकत, रकत माने होता है रक्त यानी खून, ले मतलब होता है गाढ़ा पदार्थ जिसको किसी चीज़ को चिपकाने के लिए बनाया जाता है, प्रीति मतलब प्रेम, नयन मतलब होता है आँख, जल माने नन जल मतलब होता है आँख की आंसू। यहाँ क्या कहते हैं कवि, जरा इस बात को समझेंगे हम लोग, कहते हैं जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, अर्थात कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि मैंने इस काव्य को रक्त का लेई से, यानी रक्त का लेई से, ठीक है ना, तथा गाढ़ी प्रेम का जो है ना नैन की जल से भिगोया है। गाढ़ी प्रेम को नैन के जल से क्या किया है, तो भिगोया है, अर्थात जो है ना इसमें अपने मन भाव को बता रहे हैं, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सजा रहे। आगे क्या कहते हैं कि औ मन जानी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जरा सुनेंगे, औ मन जानी कवित अस किनहा, मकू यह रहे जगत मन
चीना हाँ, इस बात को ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या कहते हैं कि मैं यह जानकर काव्य की रचना की, क्या कि मैं यह जानकर काव्य की रचना की, ताकु मोकु मकु, मतलब मैं रहूं या ना रहूं संसार में मेरी एक चीन रह जाए, मेरी एक पहचान रह जाए। अर्थात मोहम्मद जो है ना जैसी जी कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरी एक क्या रह जाए, पहचान रह जाए, चिन्ह रह जाए। आइए बात करते हैं आगे क्या कहते हैं। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुधि उपराजा। अर्थात कहते हैं कि कहाँ जो है ना रतन सेनी अब राजा रहा, कहाँ सुभी असी बुधि उपराजा न, और उनके उप मुख मंत्री जिसको उपराजा मानते थे। और क्या कहते हैं आगा, आगे क्या कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु कह राघव जई किन बखानु। अर्थात क्या कह रहे हैं कि कहाँ अलाउद्दीन जो है ना सुल्तान, कहाँ राघव जिसकी बखान मैं करूँ, कोई नहीं रहा जिसको मैं बखान करूँ। आगे कहते हैं कह स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अर्थात कभी कहते हैं नहीं पद्मावती रानी ही रही, और कोई उनका जो है ना कोई उनका सदस्य से नहीं रहा, उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग नहीं रहा, और उन लोगों की रह गई तो क्या इस संसार में कहानी, और उन लोगों की कहानी ही सुनने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं क्या कहते हैं कभी। धनी सो पूरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे ना बासु। कितनी सुंदर बात यहाँ पर हो रही है, बहुत ही सुंदर बात हो रही है यहाँ पर। जरा ध्यान देंगे क्या कहते हैं कि धनी सो पूरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे ना बासु। अर्थात क्या कहते हैं कि जिस प्रकार फूल नहीं मरता, सॉरी फूल मुरझाता है पर क्या है ना उसकी जो है ना सुगंध नहीं मरता, उसकी जो है ना सुगंध नहीं मरता, उसी प्रकार किसी इंसान की जो है ना कीर्ति और जस नहीं मरता, उसी प्रकार क्या है ना किसी इंसान की जो है ना जस और कीर्ति नहीं मरता। आगे क्या होता है यहाँ पर देखेंगे कि केई न जगत, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, क्या कहते हैं जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। यहाँ पर कहते हैं कि हम सवेरे दुई बोल, ठीक है ना। अर्थात कहते हैं कि कोई भी संसार में न जस बेचा है, न कृति बेचा है, और न ही खरीदा है। जो यह कहानी को जो है ना पढ़ेगा, क्या कहते हैं कि जो यह कहानी को पढ़ेगा, ठीक है ना, वह दो वचन जरूर मेरे याद रखेगा। जो यह मेरे कहानी को, मेरे पद को पढ़ेगा, वह दो वचन मेरा जरूर याद क्या करेगा, रखेगा। जी हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जी हाँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी हाँ, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।